अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल MrTech जानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 4000 घंटों का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो मज़ीद पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आप खुद ही इसको वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। ये बात करते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम चंद दिनों में, चंद महीनों में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, इतना बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है कि क्योंकि जब कोई नया यूट्यूबर इस मामले में सोचता है, जब कोई नया यूट्यूबर इस बात को समझता है तो वो ये समझता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम में इस टाइम को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के आगे ये टाइम और ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें और यूट्यूब पर काम करते रहें तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और रेगुलर वीडियो अपलोड करने के बाद आपको फिर भी वॉच टाइम, सब्सक्राइबर नहीं मिलते, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जी देखें, अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं और वॉच टाइम नहीं मिलता, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका जो है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल नहीं अच्छा होता, ठीक है। थंबनेल देखें, अब बात यह है कि आप इतनी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख देख के आप उनसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स, सबक और नॉलेज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि थंबनेल बनाने पर भी बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं। टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन देने पर भी बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं। देखें, सबसे मेन चीज़ होती है टाइटल, दूसरी मेन चीज़ होती है थंबनेल। ये दो चीज़ें आपकी बहुत ही हाई कंटेंट यानी कि हाई लेवल पर होनी चाहिए, ताकि जो भी बंदा आपके टाइटल को रीड करे और आपके थंबनेल को एक बार देखे तो उस पर क्लिक कर दें। जब वो आपके टाइटल को देखकर, आपके थंबनेल को देखकर आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा तो आपका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज़ होगा, और जब आपका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज़ होगा तो आपके सब्सक्राइबर, वॉच टाइम और व्यूज़ आएंगे। और जब आपके व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, तो आप जब जो वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं उन पर भी व्यूज़ आएंगे, उन पर भी वॉच टाइम आएगा और उन पर भी सब्सक्राइबर आएगा। जी बात ये नहीं है कि मसलन के इसको कैसे करना है, कैसे रीड करना है। देखें, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ। अगर आपका चैनल 100 वीडियो, अगर आपके चैनल पर 100 वीडियो नहीं है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें। जब आपकी 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यूट्यूब खुद आपको ग्रोथ करना शुरू कर देगा। नंबर 2 पर बात करते हैं कि जब आप ग्रोथ हो जाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम खुद ब खुद इंक्रीज़ होगा। अब जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ जो है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि आपने अपने चैनल पर एक चीज़ नोट करनी है कि वो क्या चीज़ है। वो ये चीज़ है कि आपने 48 घंटों का, 7 घंटों का और 1 मंथ का आपने व्यूज़ चेक करने हैं कि किस वीडियो पर आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और कहाँ से आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। आपने ये नोट करना है और ये लिख लेना है। उसके बाद अगर आप अपने चैनल का YT स्टूडियो या अपने चैनल का डैशबोर्ड, चैनल डैशबोर्ड खोल के एनालिटिक्स में जाकर रीच पर क्लिक करके YouTube सर्च वर्ड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके चैनल पर कौन कौन से वर्ड सर्च होकर आपके चैनल पर ट्रैफिक आ रहा है। मेरा मतलब ये कि आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं YouTube पर, यानी कि हाउ टू मेक मनी आप सर्च करते हैं, तो आपके सामने एक वीडियो ओपन होती है, आप देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर आप उस पर क्लिक करते हैं। वो भी वर्ड जो है उसमें YouTube एनालिटिक्स में जो है वो चला जाएगा वहाँ YouTube सर्च वर्ड में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक कॉपी पेंसिल लेनी है और उसको ना जो है ना नोट कर लेना है। आपने सारे वर्ड्स जो है ना वन बाय वन ना नोट कर लेना है। हर दिन आपने क्या करना है, उन टॉपिक पर वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि आपका ऑडियंस उन टॉपिक को मांगता है जो और रेगुलर आपके वीडियो पर आते हैं और आपकी वीडियो को वॉच करते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखें, आपके चैनल की जो वीडियो है, एक चैनल पर ना आपकी वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो ये है कि हाउ टू मेक मनी, ठीक है। अब आपने ये नोट करना है, आपने ये नहीं कहना हाउ टू मेक अकाउंट या आपने कोई और वीडियो बिल्कुल भी नहीं अपलोड करनी। आपने करनी ये है हाउ टू मेक मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड करनी। अगर आपकी मेक मनी के नाम से है ना वीडियो वायरल हो रही है तो आपने उसके नाम से करनी है। अच्छा, अगर आप कुछ सेटिंग वगैरह बता रहे हैं, यानी कि जोंग, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जोंग इंटरनेट सेटिंग की बहुत ज़्यादा मसलन के मेरे व्यूज़ आते हैं, ठीक है। अगर आप उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएं तब भी आपके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं। ये मैं अपने चैनल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के नहीं। आपके चैनल पर जो भी वीडियो रैंक है आपने उस वीडियो के रिलेटेड वीडियो अपलोड करनी है। आजमूदा और एक पावरफुल, यानी कि जिसे कहते हैं ना पावरफुल, कोशिश करने के बावजूद मैंने इस बात का बेहद निचोड़ निकाला है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर गारंटी के साथ एक मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। और वीडियो रेगुलर अपलोड करनी है, ये नहीं कि आज आपने वीडियो अपलोड कर दी, कल को छोड़ दी, परसों अपलोड कर दी, तरसों छोड़ दी। नहीं, रेगुलर 1 बाय 1 आपने वीडियो अपलोड करनी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल का एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए दोस्तों इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।